हे गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज, एक बार फिर से एक नई ब्लॉग में आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ। तो गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कल जो है रामनवमी का दिन है, 17 तारीख, आज 16 तारीख, तो क्या तैयारियाँ हैं महावीर मंदिर का। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये जर्नी आर ब्लॉग यानी कि चाणक्य होटल से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से ही जो है लाइन लगना स्टार्ट हो जाता है आर ब्लॉक चाणक्य से। और इस वक्त मैं चाणक्य होटल के पास आ चुका हूँ आर ब्लॉक यानी कि। चलिए मैं आपको शो करता हूँ अब कहाँ से स्टार्ट होने वाला है मतलब महावीर मंदिर जाने के लिए। तो गाइस चलिए वीडियोज़ में अंत तक बने रहें। तो गाइस देख सकते हैं ये आर ब्लॉक पे अभी बैरिकेड वगैरह जो है रख दिया गया है, और रात से ही जो है आज रात से ही जो है यहाँ पे पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा ये रास्ता। और अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ से वो रास्ता स्टार्ट होने वाला है महावीर मंदिर तक जाने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं ये चाणक्य होटल, इधर आर ब्लॉक से अगर आप आएंगे इधर से ही आना पड़ेगा आपको महावीर मंदिर जाने के लिए। और ये यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा बहुत ये लगा हुआ है, यहाँ पे आपको पानी वगैरह कुछ कुछ प्रसादे वगैरह मिल जाएंगी। और यही वो रास्ता है, इधर से ही जो है स्टार्ट हो जाएगा महावीर मंदिर जाने के लिए। ये देखिए ये शेड है, और ये जा करके वहाँ आपको GPO गोलंबर के पास जो है वो लेकर के जाएगा अंदर। देख सकते हैं ये पूरा शेड बना हुआ है इस वक्त, और लाइन में मतलब ये देखिए लाइन के लिए भी शायद महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइनें बनी हुई है। ये सीधा आपको GPO गोलंबर के पास लेकर के जाएगा, और ये प्रसाद वगैरह के लिए स्टॉल बहुत सारा बनने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये लाइटें वगैरह अभी लग गई है, क्योंकि आज रात से ही लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा महावीर मंदिर जाने के लिए। और ये मैं दिखा दूं आपको वीर कुंवर सिंह पार्क का व्यू, जो कि अभी पंडाल बन रहा है और रात तक बन करके हो जाएगा कंप्लीट। ये देखिए साइड साइड जो प्रसाद के लिए अलग ये बन रहा है छोटा छोटा स्टॉल, और साइड में जाने के लिए जो है अलग बन रहा है। जो भी भक्तजन जाएंगे वहाँ तक मंदिर तक, उसके लिए लाइन में लगना पड़ेगा इसी पर मतलब ये नीचे शेड के नीचे, ताकि आपको धूप का सामना ना करना पड़े। ये पूरा जो है वहाँ GPO गोलंबर तक बना हुआ है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको सारी व्यू दिखाऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गाइस देख सकते हैं ये पूरा लाइट लग करके ये फ्लाईओवर का हर पाया में रेडी है। और ये देखिए वीर कुंवर सिंह पार्क का मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त साइड साइड व्यू। ये देखिए वीर कुंवर सिंह पार्क से निकलने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे दो लाइन है, मैंने वहाँ पे भी आपको दिखाया था ये दो लाइन है। इधर से निकलने के बाद जो है यहाँ पे ये दो लाइन होते हुए फिर रोड से किनारे किनारे ये पूरा लाइन जो है लगने के लिए बना दिया गया है रोड के किनारे किनारे। आप देख सकते हैं ये दो लाइन बना हुआ है, और प्रशासन का भी बहुत ज़बरदस्त मतलब यहाँ पर प्रबंध रहेगा, प्रशासन भी रहेंगे, लाइट भी है, जो कि आज रात से ही जो है लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा महावीर मंदिर के लिए, महावीर मंदिर में हनुमान जी का पूजा करने के लिए, क्योंकि कल रामनवमी का दिन है। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये व्यवस्था हर साल की जाती है। और चलते हैं अभी अब मंदिर की तरफ, आपको दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। ये देख सकते हैं गाइस साइड साइड बिल्कुल ये लाइन लगने के लिए ज़बरदस्त बना हुआ है। आ गए GPO गोलंबर, और ये देखिए रामनवमी का जो है लग गया है पोस्टर, बुधवार 17 अप्रैल दिखा रहा है, चूँकि मंगलवार है। देख सकते हैं, देख सकते हैं ये रास्ता जो है आर ब्लॉक यानी कि चाणक्य होटल की तरफ से वीर कुंवर सिंह पार्क होते हुए ये GPO गोलंबर आ गए हैं हम, और यहाँ से ही ये होते हुए सीधे जो है उधर राम मंदिर सॉरी महावीर मंदिर की तरफ चलेंगे। और क्या व्यवस्था है कल के लिए ये सारी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। सकते हैं पताका भी मिलना स्टार्ट हो गया है, कल रामनवमी है और हनुमान जी का पताका आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। और ये GPO गोलंबर पे हूँ मैं इस वक्त, जैसा कि आप देख सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि महावीर मंदिर जाने के लिए कहाँ से जो है स्टार्ट हो गया है सेट जो है प्रशासन के द्वारा जो बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी कह सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से जो है आपको लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लाइन में ही रहेंगे उधर से आर ब्लॉक से, लेकिन यहाँ से जो है आपको दो लाइन मिलेगी, एक महिला एक पुरुष के लिए, ये दो लाइन आपको यहाँ से मिल जाएंगे महावीर मंदिर तक बिल्कुल। और कल पूरा जो है जय श्री राम के नारों से ये गूंज जाएगा ये रोड पूरा। ये देखिए GPO गोलंबर पर हूँ मैं इस वक्त, ये गाड़ियाँ वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखेगी कल।
तो गाइस देख सकते हैं ये जस्ट महावीर मंदिर का मैं निकट आ गया हूँ और अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बहुत सारा भंडारा के लिए जो है स्टॉल लगेगा। कल यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगने वाली है भंडारा का प्रसाद खाने के लिए। और वो साइड साइड आप देख सकते हैं मंदिर तक जाने के लिए जो है लाइन में लग करके जाना पड़ेगा। रेड कलर का ये शेड दिया हुआ है पंडाल का और ये जो है आपका यहाँ पे भंडारा यहाँ पे खिलाया जाएगा जिसके लिए बहुत ही भीड़ होने वाली है यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं जीपीओ गोलंबर से इधर मैं महावीर मंदिर के निकट आ चुका हूँ और ये रेड कलर का आप देख सकते हैं ये पूरा जो है पंडाल शेड बना दिया गया है। दो लाइनें यहाँ पे मिलेंगे आपको महिला और पुरुष के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये दो लाइन बनने वाली है। और अगर आप कल के लिए फूल वगैरह लेना चाहते हैं तो आर ब्लॉक पे ले सकते हैं, जीपीओ गोलंबर के पास में आपको थोक के भाव में मिल जाएगा। ये देखिए फूल वगैरह इधर, यही शेड है और आप साइड साइड देख सकते हैं। ये जस्ट अभी मैं स्टेशन के पास महावीर मंदिर के पास आ चुका हूँ और जस्ट बराबर बराबर देख सकते हैं एकदम बिल्कुल बना दिया गया है और आपको पताका हनुमान जी का जगह जगह पर देखने को मिल जाएगा। जगह जगह पे हनुमान जी का पताका आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ये देख सकते हैं कल की तैयारियां बहुत ही ज़बरदस्त दो दिन पहले से चल रही है। देख सकते हैं जगह जगह पे फूल वगैरह आपको, फूल हो या माला हो आपको ये देखिए मिल जाएगा। कल की सारी तैयारियां हैं हनुमान जी की। ये देखिए अड़हुल का फूल का माला, गेंदे का फूल का माला और ये भीड़ आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको हर जगह फूल वगैरह मिल जाएगा, पताका मिल जाएगा हनुमान जी का आपको जगह जगह पे। गाइस देख सकते हैं पताका बिल्कुल थोक के भाव में आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये छोटे छोटे बांस के आपको यहाँ पे बांस मिल जाएंगे पताका लगाने के लिए। ये चारों तरफ ये देखिए हनुमान जी का पताका ही आपको दिखेगा एक लाइन से। कल के लिए कल रामनवमी है तो आप देख लीजिए जहाँ भी नज़र दौड़ाएँगे आपको बस पताका ही पताका दिखेगा। ये देख सकते हैं आप एक लाइन से देख सकते हैं। ये महावीर मंदिर के पास बिल्कुल पहुँच चुका हूँ मैं। ये देखिए कल की तैयारियां ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ कल के लिए, कल यानी कि रामनवमी के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है महावीर मंदिर के पास, महावीर मंदिर में पूजा के लिए। ये चारों तरफ का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ये इस वक्त महावीर मंदिर के पास हूँ मैं। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त भीड़ है एक दिन पहले, चूँकि मेट्रो का काम चल रहा है इस वक्त इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अस्त व्यस्त है सारी चीज़ें। ये सामने ये देखिए ब्रिज है और ये महावीर मंदिर आप देख सकते हैं सामने, चूँकि कल का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ये देखिए महावीर मंदिर पटना द्वारा संचालित अस्पताल का जो ये देखिए सामने लिस्ट है कौन कौन सा अस्पताल चलता है महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, ये सारी ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त। तो गाइस देख सकते हैं महावीर मंदिर आने के बाद यहाँ पे आपको चप्पल रखने के लिए ये व्यवस्था है, यहाँ पे लाइन लग करके चप्पल रख सकते हैं, आपको टोकन दे दिया जाएगा फिर बाद में आकर के यहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं। और साइड में भी चप्पल रखने का रैक दिया गया है लेकिन वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपका चप्पल जूते रहेंगे या नहीं। ये देखिए महिला एवं पारिवारिक के लिए अलग अलग लाइनें हैं। तो गाइस ये गेट है इस वक्त और यहाँ पे आपको स्कैन कर करके जाना पड़ेगा अंदर। और ये देखिए इस वक्त जो है महावीर मंदिर प्रांगण में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे ये देखिए फूल वगैरह मिल रहा है, फूल मिल जाएंगे आपको, तुलसी माला मिल जाएगा, गेंदे का फूल का माला मिल जाएगा आपको। इधर देख सकते हैं इधर महावीर मंदिर के द्वारा यहाँ पर आपको नैवेद्यम मिल जाएगा और प्रसाद की बात करें तो जो प्राइस है 1 किलो 330 रुपये, आधा किलो 165 और 250 ग्राम का 83 रुपये आपको चुकाने होंगे। तो गाइस मैं प्रसाद लिया नहीं हूँ इस वक्त और इसलिए मैं लाइन में नहीं लगूँगा, क्योंकि खाली प्रणाम करना है तो आप जा कर के अंदर प्रणाम कर सकते हैं बिना लाइन में लगे। और प्रसाद अगर लिए हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ जाएगा।
देख सकते हैं कितने लोग जो है यहाँ पे हनुमान चालीसा बैठ करके पढ़ रहे हैं महावीर मंदिर के प्रांगण में, मतलब अंदर। और ये आपको मैं इस वक्त महावीर मंदिर का, ये देखिए, हनुमान जी का दर्शन करवा रहा हूँ। देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे कि हनुमान जी का दो विग्रह रूप आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं महावीर मंदिर कैंपस का इस वक्त व्यू दिखा रहा हूं मैं, एक दिन पहले का, रामनवमी से पहले का मैं आपको व्यू इस वक्त दिखा रहा हूं। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और कल तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। चूंकि मैंने प्रसाद नहीं लिया इसलिए मैंने लाइन में नहीं लगा, भगवान का दर्शन करवाना था आपको। देख सकते हैं उधर से अगर आप घुसेंगे सामने की तरफ से महावीर मंदिर में, भगवान का दर्शन करते हुए आप इधर से निकलेंगे। ये देखिए इधर एक रास्ता है और इधर से आप निकलेंगे, इधर से निकलने के बाद ये देखिए इधर आते हुए ये देखिए निकास एग्जिट द्वार है सामने, देख सकते हैं ये एग्जिट द्वार है महावीर मंदिर का, इधर से आप बाहर निकल जाएंगे। तो गाइस वीडियो जो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये गाइस मैंने आपको महावीर मंदिर, पटना का महावीर मंदिर का जस्ट रामनवमी से पहले का ब्लॉग दिखाया, अपडेट दिखाया है। तो गाइस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।